इसके लिए पुनः मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ। अब मैं विनोद जी धारणिया से अनुरोध करूंगी कि वे आए स्टेज पर। सम्मानित मंच पर हमारी संस्था उपभोक्ता संरक्षण समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री रामलाल बिस्सू साहब, कार्यकारी सदस्य विनोद धारणिया जी, विजय बैनीवाल साहब, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संगलिया के प्राचार्य अध्यापकगण और प्रबुद्ध छात्राओं, सबसे पहले मैं आपको विश्व उपभोक्ता दिवस की बधाई देता हूं। विश्व उपभोक्ता दिवस के महत्व को समझने के लिए हम सबसे पहले उपभोक्ता की बात करेंगे। निश्चित तौर पर आपने अपने पाठ्यक्रमों में उपभोक्ता शब्द को सुना होगा, पढ़ा होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। कोई भी बच्चा अपनी बात को रख सकता है, मुझे बताएगा उपभोक्ता शब्द का अर्थ क्या है। प्लीज बोलिए, कोई बात नहीं। और कोई इस विषय पर भी बात करना चाहे, क्योंकि एक किसी बात को समझने के लिए आपस में विचारों का आदान प्रदान भी होना चाहिए। और जब मैं इस विषय पर बात करने के लिए आप लोगों के मध्य हूं, तो निश्चित तौर पर मैं अपनी बात को भी उसी स्तर से शुरू करूंगा जहां से मैं आपके इस विषय पर ज्ञान का आकलन करता हूं। बहुत कुछ छात्रा, क्या नाम बताया बेटे, सुनीता ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया, मैं उसी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। सुनीता ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम सब उपभोक्ता हैं। निश्चित तौर पर हम सब उपभोक्ता हैं, लेकिन उपभोक्ता शब्द का अर्थ क्या है, इस बात को हम इस रूप में समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य देकर या मूल्य अदा करने का वचन देकर कोई वस्तु खरीदता है, या रुपए देकर या रुपए देने का वचन देकर कोई सेवा खरीदता है, तो वह विक्रेता, निर्माता या उस सेवा अदाकर्ता का उपभोक्ता हो जाता है। इस बात को हम विभिन्न उदाहरणों से व्याख्या कर सकते हैं। आप बाजार में चीनी खरीदने के लिए जाते हैं, दुकानदार को चाहे नगद रुपया दें या उधार चीनी लें, अर्थात रुपए देने का वचन अदा करें और उस वस्तु को खरीदें, तो आप उस चीनी विक्रेता के उपभोक्ता हो जाते हैं। आप किसी कार को खरीदने के लिए जा रहे हैं, कार खरीदने के लिए उसके एजेंसी वाले को धन अदा करते हैं जो उसके निर्माता तक पहुंचता है, आप उस कार विक्रेता और उस निर्माता कंपनी के उपभोक्ता हो जाते हैं। आप अपने घर में अपनी आवश्यकताओं के लिए बिजली पानी का संबंध लेते हैं, कनेक्शन करवाते हैं, उसके लिए राशि अदा करते हैं, प्रति माह बिल अदा करते हैं, आप विद्युत विभाग के और पानी जो जलदाय विभाग है उसके उपभोक्ता हो जाते हैं। क्योंकि मैं अधिवक्ता व्यवसाय से हूं, इसलिए यह भी कहूंगा कि जब कोई किसी वकील के पास में जाकर सेवा शुल्क अदा कर उससे सेवा लेता है, राय लेता है, तो वह उस वकील का भी उपभोक्ता हो जाता है। इस सुंदर कड़ी को जब हम एक दूसरे से जोड़ते हैं तो एक बहुत
अच्छा दर्शन हमारे सामने आता है। आप लोगों ने सामान्य विज्ञान के अंदर इकोलॉजिकल चैन को भी पढ़ा होगा, पढ़ा इकोलॉजिकल चैन, परिस्थिति विज्ञान में शायद अभी इतनी विस्तार से नहीं आई होगी, भी बहुत छोटे रूप में आई होगी, जिसमें एक फूड चेन बनती है, खाद्य श्रृंखला बनती है। मैडम आप खाद्य श्रृंखला शब्द से समझेंगे, और उस खाद्य श्रृंखला में भी देखते एक चेन बन जाती है। ठीक उसी तरह की एक बात है कि मैं एक वकील हूं और मैं मेरे पास में सुनीता को राय लेने के लिए आई, उसने मुझे अपनी फीस दी, राय ली, सुनीता मेरी उपभोक्ता हो गई। मैं बाजार गया, बाजार में मैंने कोई वस्तु खरीदी और उदाहरण के लिए मैंने एक रजिस्टर खरीदा और उस रजिस्टर के लिए पैसा दिया, मैं उस दुकानदार का उपभोक्ता हो गया। यहां मैं सुनीता के लिए सेवा अदा करता हूं, वहां मैं उपभोक्ता हूं। इसी तरह से दृश्य को आगे बढ़ाते जाइए, अंतोगत सुनीता भी कोई सेवा देती है या कोई वस्तु का विक्रय करती है, वही व्यक्ति वापिस सुनीता के पास में आ जाता है और तो सुनीता उसके लिए सेवा अदा करता या विक्रेता हो जाती है, और वह व्यक्ति जो मेरी श्रृंखला से निकला अंतोगत जाकर उसके श्रृंखला के उस छोर से मिल जाता है। इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात और है, किस दुनिया में की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, हर व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वह भारत का राष्ट्रपति है, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति है, क्योंकि कोई कोई किसी वस्तु या किसी सेवा को क्रय करेगा तो वह किसी न किसी का उपभोक्ता हो जाएगा। जब इतनी सुंदर श्रृंखला निकल कर आई कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये जागृति की बात कहां से आई? आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में निश्चित तौर पर पढ़ा होगा कि सदियों पूर्व जब मुद्रा विकसित नहीं हुई थी, रुपया, रूबल, डॉलर इत्यादि जब विकसित नहीं हुए थे, तो उस समय व्यक्ति किस तरह से माल को क्रय करता था? हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने घरों में माल को संग्रहित रखते थे। किसी ने अनाज उपजाया, किसी ने अपने घर में दूध से मक्खन निकाल के रखा, घी निकाल के रखा, अनाज वाले को घी की जरूरत है, वह घी वो उसको जिसके पास में घी है उसको अनाज दे देता था, उसके बदले में घी ले लेता था, जिसे वस्तु विनिमय कहते थे। यहां वस्तु विनिमय जब तक था तब तक एक जीवन के संचालन की बात थी, और यह जब कहानी वस्तु विनिमय से निकलकर मुद्रा और रुपए के संग्रह की ओर बढ़ गई तो व्यक्ति का लालच बढ़ गया, और व्यक्ति का जैसे जैसे लालच बढ़ा वैसे वैसे उपभोक्ता शोषण की कहानी भी शुरू हो गई। क्योंकि हर व्यक्ति ने, चाहे वह विक्रेता है, चाहे वह निर्माता है, चाहे वह सेवा अदा करता है, उसने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उपभोक्ताओं का शोषण करना शुरू कर दिया, जिसमें चाहे कम नाप तोल की बात हो, चाहे गलत बिलिंग की बात हो, चाहे गुणवत्ता रहित माल बनाकर उसको विक्रय करने की बात हो। और लेकिन उस समय तो हदें ही पार हो गई है जब हम खाने पीने की वस्तुओं में, खाने पीने की चीजों में उसका अधिक मूल्य देखते हुए कम मूल्य की वस्तुओं को इस तरह से उसमें अपमिश्रित करने लग गए कि हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके, और हमने इस बात को भी दरकिनारे कर दिया कि वो वस्तु खाने से उस व्यक्ति का कितना नुकसान होगा जो इसका सेवन करेगा, चाहे वह दूध की बात हो, चाहे वह सब्जियों फ्रूट्स के अंदर अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उपयोगों की बात हो, चाहे किसी सरसों किसी तेल के अंदर हानिकारक तेल के मिलावट की बात हो, चाहे रसायनों से दूध निर्माण की बात हो, हम लोगों के लिए कितना घातक हो गया है। आप बच्चे हैं, आप लोगों के लिए एक रोचक बात और बताऊंगा। आप जानते हैं दूध कितने तरह का होता है?
कोई बताए बाजार में हमें कितने तरह के दूध मिलते हैं, कभी इस बात पे ध्यान दिया आपने? कोई छात्रा बताए हम दूध कहां कहां से खरीदते हैं? बहुत से तो आप में से वो छात्राएं हो सकती हैं जिन्होंने घर पशु रखा हुआ हो, बहुत सी वो छात्राएं हो सकती हैं जो सर्स या वेरका या किसी डेयरी का दूध लेके आते हो, और बहुत सी वह छात्राएं हो सकती हैं जो किसी अड़ोस पड़ोस के जो पशु रखते हैं उनसे दूध लेके आते हो, और बहुत सी छात्राएं वो हो सकती हैं जो किसी बाजार में दूध बेचने वाले से दूध लेकर आती है। अब मैं आपको इसका एक अंत समझाऊंगा, अपने इस बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं जो आपसे छुपे हुए बिंदु है उन्हीं को छूने का प्रयास कर रहा हूं। आपने घर दूध का उत्पादन किया, ठीक है, आप अपने विश्वास के किसी पड़ोस के घर से दूध लेकर आए, ठीक है, लेकिन जो बाजार में दूध बिक रहा है जिसे हम कहते हैं कि ढोलकी वाला दूध लेकर आ रहा है, सर्स की बात भी मैं इसलिए ठीक कहूंगा, आपने देखा है कितने तरह की खेलियां आती हैं। हमारे साथ हमारी संस्था के सदस्य हैं उपेंद्र चौधरी जी जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। कोई बच्चा बताएगा है जी, अमूल कितने तरह की थैली होती है उसमें से? हमारे यहाँ सर्स के दूध खूब है। हाँ बोल, दो तरह की, और कोई बच्चा? आज हम इसी बात पर आप घर जाके जानकारी एकत्रित करना, आपके यहाँ भी सर्स का बूथ होगा, आपके यहाँ सर्स के बूथ पर या अमूल के बूथ पर या किसी भी बूथ पर जाएंगे, हमारे यहाँ अमूल का बूथ है जी, शायद सर्स के बूथ है, सर्स के, वो आपको तीन तरह की पैकिंग मिलती है दूध की, एक तो फुल फैट, एक हाफ फैट और एक विदाउट फैट, जिसको हम साधारण भाषा में स्प्रेडा भी कह देते हैं। यानी कि जब एक बंद उत्पाद के अंदर दूध विक्रय हो रहा है तो उसमें बताया गया है कि आपके दूध के अंदर इतना फैट है, ये ज्यादा फैट का है, ये कम फैट का है या बिना फैट का है। और अब आप जाते हुए इस कार्यक्रम के बाद जब सर्स के दूध की बूथ पर पता करते हुए जाएंगे तो आपको यह भी मालूम होगा कि उन तीनों का अलग अलग रेट है, जिसमें कम फैट है उसका कम रेट होगा शायद 20 रुपए होगा, जिसका मीडियम फैट है उसका 22 रुपए होगा जो आधा लीटर की थैली आती है, और शायद फुल फैट है उसका 24 या 23 रुपए होगा। लेकिन कभी आपने देखा कि जो आपके घर ढोलकी वाला दूध बेचने आ रहा है उसके दूध में कभी कितनी फैट है आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि वह एक ही तरह का दूध आपको दिखाकर बेच रहा है और विश्वास के साथ बेच रहा है कि मेरा दूध अच्छा है, जबकि कानून तो यह भी कहता है कि उसे भी अपनी ढोलकी के ऊपर यह बात बतानी पड़ेगी कि उसके दूध में फैट कितनी है, वो स्प्रेडा बेच रहा है या फुल फैट बेच रहा है, उसमें पानी निकाला डाला हुआ है या क्रीम निकाली हुई है। आपने जगह जगह देखा होगा बहुत सी डेयरियां बनी हुई है गलियों में, और वो क्या करते हैं दूध को उसमें करके उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं, तो जो फैट है वो निकाल ली जाती है। लेकिन यहां तक की कहानी को तो हम ये मानते हैं कि हमें जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन यदि आपको यह पता लगे कि जो आपको दूध मिल रहा है या खाने पीने की चीज मिल रही है वह तो दूध है ही नहीं बल्कि अन्य रासायनिक पदार्थों से बनाया गया दूध जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो आपको कितना महसूस होगा। इसी तरह से आजाद भारत में उपभोक्ताओं की बात तो होने लगी, और ऐसे अपराधों को जो मैं आपके आपके सामने बताए, कम मापतोल की बात हो, गलत चीज बेचना हो, शरीर को हानि पहुंचाने वाले सामान को बेचना हो, उनके लिए दंड की व्यवस्था तो थी, लेकिन जिस व्यक्ति का कोई नुकसान हुआ उसको क्या मिलेगा, इस बात की व्यवस्था नहीं थी। 1986 में पहली बार इस देश में एक नया कानून आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति
किसी विक्रेता या निर्माता के कारण उसे कोई क्षति पहुंचती है, उसकी क्षतिपूर्ति उसे प्राप्त होगी। धीरे धीरे इस अधिनियम में संशोधन हुए। अब जो हमारे यहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतिम बार जो संशोधित हुआ है 2019 में, उसमें बहुत सी चीजों को समावेश करने की बात की गई है, जिसमें आज का हमारा विषय भी सम्मिलित है। लेकिन मैं वह बात तक पहुंचने से पहले आपको यह बात बताना चाहूंगा कि जब उपभोक्ता शोषित अनुभव करता है या उसे लगता है कि वो बाजार में ठगा गया, मैंने आपको बहुत से उदाहरण बताए, तो वह क्या करे, प्रश्न यह उत्पन्न होता है। हमारे उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में बने हुए कानून ने आपको दो तरह की व्यवस्थाएं दी हैं। पहली तरह की व्यवस्था आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए, आप बाजार में कोई सामान क्रय करते हैं, कोई सेवा क्रय करते हैं और उसमें आप ठगे हुए महसूस करते हैं, तो आप जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष आयोग जो आपके जिला मुख्यालय पर गठित है, उसमें बिना किसी अधिवक्ता की सहायता से एक साधारण सा आवेदन कर अपनी सुनवाई करा सकते हैं। और यदि बहुत हल्की सी सुनवाई जिसमें न्यायालय का कोई भाव नहीं है, उस सुनवाई के बाद न्यायालय यदि आपकी, आयोग यदि आपकी शिकायत को सही पाता है, तो वह विक्रेता या निर्माता से आपको क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दिलवाता है। यदि 50 लाख रुपए तक का मामला है तो वह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष आयोग में प्रस्तुत किया जा सकता है, उससे अधिक का मामला है तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष आयोग जिला आयोग की तर्ज पर बना हुआ है, उसमें भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। और यदि उस अंतिम इसकी जो सर्वोच्च कड़ी है उसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष आयोग है, जिला आयोग की अपील राज्य आयोग में और राज्य आयोग की अपील राष्ट्रीय आयोग में की जा सकती है। इसमें सुनवाई के लिए जिला स्तर पर कुछ न्यायिक सेवा के अधिकारी इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनके समकक्ष अधिकारी। राज्य आयोग में राजस्थान उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त या उनके समकक्ष न्यायाधिपति उसके अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उनके समकक्ष उसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा महिला एवं पुरुष के रूप में उपभोक्ता के प्रतिनिधियों को भी न्याय के लिए सम्मिलित किया जाता है। ये एक छोटी सी प्रणाली है, क्योंकि बड़ा विषय है जिन पर बहुत अलग अलग बात करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पर इस बात का उल्लेख कर इस ढांचे को समझा रहा हूं। दूसरा ढांचा वह है जिसके अंदर सांझी समस्याओं के लिए आपके जिला कलेक्टर एक समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष होते हैं, जिला रसद एवं उपभोक्ता मामला अधिकारी उसके सचिव होते हैं, और उनको सांझी समस्याएं प्रेषित की जा सकती हैं और वह उन विभाग से बात कर उन सांझी समस्याओं का निराकरण करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण ढांचा पहली बार देश का एक ऐसे कानून के रूप में आया जिसमें पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलवाने की बात कही। मैं बात कर रहा था उपभोक्ता संरक्षण की। अब मैं आज के विषय पर आपको उपभोक्ता संरक्षण का परिचय देने के बाद आज के विषय पर आता हूं, फेयर डिजिटल फाइनेंस। मुझे बताएं कि कौन कौन बच्चे स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, आप खुलकर बताएं ताकि मैं उस रूप में आपको बात समझा सकूं। कोई शर्त की बात नहीं, इसमें अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनकी जो डिजिटल फाइनेंस का उपयोग कर रहे हैं। आप में से कौन कौन से बच्चे जो स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं? लगभग कोई बच्चे हैं। वो कौन कौन से बच्चे जो फेसबुक का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं?
फेसबुक ट्विटर जो भी हो, मैं उसके संबंध में बहुत संक्षिप्त समय में बड़ी रोचक बातें करूंगा। मैं इसलिए जानना चाहता हूं, खैर मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारे जैसे जैसे बैंकिंग क्षेत्र का विकास हो रहा है और संचार क्रांति का विकास हो रहा है, जीवन के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। इन तौर तरीकों में हमने सूचनाओं के तेजी से संचार के लिए, आपने देखा होगा कि पत्र के स्थान पर ईमेल आया, ईमेल के साथ में एसएमएस आया, एसएमएस के बाद में व्हाट्सएप आया और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, बहुत से आ गए जिनके माध्यम से आप आज पूरी दुनिया को मुट्ठी में करते हुए सूचनाओं का संचार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही बैंकिंग क्षेत्र का भी विकास हुआ। आज किसी व्यक्ति को यदि वह डिजिटल ट्रांजेक्शन को समझता है तो उसे अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए, रुपए निकालने या रुपए जमा कराने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, वह घर बैठा बैंक के अपने कार्यों को कर सकता है। यह इस डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से संभव हुआ है, जिसमें सबसे पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन के रूप में कौन सी चीज आई? सबसे पहले आपका आया ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में आपने बैंक ने अपने आपको अपने एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म में आपको यूजर एंड पासवर्ड दिया और उस यूजर एंड पासवर्ड के माध्यम से आपको तकनीक दी कि आप अपने बैंक खाते से किसी दूसरे के बैंक खाते में राशि को अंतरित कर सकते थे। इसी डिजिटल क्रांति के साथ में बैंक ने आपको आपके हाथ में एक डेबिट कार्ड पकड़ा दिया और कहा कि आपको पैसा निकलवाने के लिए बैंक आने की जरूरत नहीं है, आप इसके माध्यम से रुपया निकलवा सकते हैं। धीरे धीरे और विकास हुआ और बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके पास में आ गए, जैसे भीम ऐप है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है और अब तो उनकी संख्या नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बैंक्स के रूप में भी बढ़ती जा रही है, जिनको रिजर्व बैंक अनुमति देता है ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाया जा सके, ट्रांजेक्शन को और पारदर्शी बनाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या और बढ़ गई और वह समस्या बढ़ गई साइबर क्राइम कार्य करने वालों की, जो इस सूचना क्रांति का दुरुपयोग करते हुए छल का अपराध कर रहे हैं, रुपयों की हेराफेरी कर रहे हैं। शायद 10-15 साल पहले कभी आपको किसी ने यह कहा हो कि आने वाले दिनों में चोरी का तरीका बदल जाएगा तो आपको विश्वास नहीं हुआ हो, लेकिन वास्तव में अब चोरी का तरीका बदल गया है। आपने देखा कि जब बैंक में आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लगे तो बैंक आपको क्या राय देता था कि आप अपने पासवर्ड को किसी को नहीं बताएं ताकि आपके पासवर्ड का यूज कर कोई आपके खाते से पैसा नहीं निकाल सके। आपने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग करना शुरू किया, आपको यह कहा गया कि आप इसका पासवर्ड किसी को नहीं बताएं। लेकिन हुआ क्या, बहुत सी शिकायतें आने लगी, एटीएम का क्लोन बन गया। क्लोन को समझते हैं, क्या चीज है क्लोन? आपको छोटी सी बात बताऊं कि जब आप एटीएम मशीन के अंदर जाते हैं और अपने डेबिट कार्ड को जब एक डिवाइस लगा होता है जिसके अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर जब डालेंगे तो साइबर अपराध करने वाला व्यक्ति उस डिवाइस के अंदर अपनी एक चिप को छिपा कर देते हैं और जैसे ही आपने अपना एटीएम डेबिट कार्ड उसके अंदर डाला, उसका क्लोन तैयार हो जाएगा और वह उस क्लोन का उपयोग कर आपके खाते से राशि को निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपका पासवर्ड क्या हो सकता है,
इस पर भी बहुत लोग अपनी रिसर्च करते हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि पासवर्ड क्या होगा। कोई व्यक्ति अपनी जन्मतिथि के आधार पर पासवर्ड रखेगा, कोई व्यक्ति अपनी मैरिज एनिवर्सरी के आधार पर पासवर्ड रखेगा, कोई व्यक्ति अपने शहर के पिन कोड के आधार पर पासवर्ड रखेगा। आप जब भी खुद एक बार पर मदद करके देख ले, कहीं भी पासवर्ड लगाते होंगे आप उन्हीं संख्याओं का उपयोग करते होंगे। साइबर अपराधियों ने जब इन पर हमला करना शुरू किया तो आपको फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए क्या राय दी जाने लगी कि आप अपने पासवर्ड को किसी को न बताने के साथ साथ जटिल बनाएं, उसमें कैप्स लॉक चिन्हों का अंकन करें, आप उसको अपने जन्मतिथि इत्यादि से संबंधित न रखें, उसको समय समय पर बदलते रहें इत्यादि फेयर ट्रांजेक्शन के लिए आपको बैंकिंग ऑनलाइन पद्धति में बताया गया। और डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए बताया गया कि एटीएम मशीन के अंदर जाने से पहले डिवाइस को चेक कर लें कि उसमें कोई अलग से डिवाइस तो नहीं लगा हुआ जो आपके एटीएम डेबिट कार्ड का क्लोन तैयार कर देगा। और धीरे धीरे तकनीकों में भी अनुभवों के आधार पर सुधार हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि अब नई तकनीक के अंदर जो एटीएम डेबिट कार्ड आए हैं उसमें आपके फोन के ऊपर ओटीपी आता है, उसके बाद में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो आपके ट्रांजेक्शन फेयर ट्रांजेक्शन हो रहा है इस बात को सुनिश्चित करता है। निश्चित तौर पर जब साइबर क्राइम करने वाले इसका भी तोड़ निकालेंगे तो हमें और सतर्क होना पड़ेगा और तोड़ निकालना पड़ेगा। अब मैं एक प्रश्न इसी बिंदु से आपसे महत्वपूर्ण पूछ रहा हूं। ये फोन मैंने 10,000 रुपए में एक साल पहले खरीदा, आज इसकी कीमत क्या है आप मुझे बताएंगे? कोई बच्चा बताए, अंदाजे से बता दीजिए। हाँ जी, 10,000 का था, आप ये कहेंगे 5,000 का हो गया होगा, 4,000 का रह गया होगा। जी नहीं, मेरा ये फोन अब करोड़ रुपए का हो गया। यही महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि इसने मेरी बहुत सी सूचनाओं को संधारित कर दिया है और मैं कोई भी तरीका अपना लूं, इसे फॉर्मेट कर लूं, कुछ भी कर लूं, वो सूचनाएं निकाली जा सकती हैं इससे। और वो न केवल मुझे मेरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बल्कि जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण आयामों में मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए यह पहला सावधानी का तरीका है कि यह आपका फोन पुराना होने के बाद कम कीमत का नहीं होता बल्कि बहुमूल्य हो जाता है। दूसरी बात, अब मेरे इस फोन के अंदर मैं बात करूंगा, ट्रांजेक्शन के मोड के अंदर जाऊंगा तो पेटीएम भी होगा, फोन पे भी होगा। और जब मैं पेटीएम और फोन पे को कहूंगा कि मेरे अकाउंट्स को सर्च करो तो पेटीएम और फोन पे मेरे उन सभी अकाउंट्स को सर्च कर लेंगे जिन जिन में मेरा टेलीफोन नंबर है। और आसानी से इस फोन के माध्यम से जो मेरा फेयर ट्रांजेक्शन की बात है वो अनफेयर हो जाएगी और मेरे साथ छलकारित हो जाएगा। तीसरी बात, अब हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि मैं समय की बाध्यता को समझता हूं, विषय बहुत गंभीर है, लंबा है, इसलिए सीधा इस बात पे आता हूं आपके स्तर पर कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी, ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर फेयर ट्रांजेक्शन के लिए आप अपने पासवर्ड को जटिल बनाएं। आपके माता पिता यदि कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से करते हैं तो उन्हें कहें कि अपने पासवर्ड को जटिल बनाएं जिससे कोई व्यक्ति उस पासवर्ड को सोच समझ कर भी उसकी नकल नहीं कर सके और उसे गुप्त रखें। दूसरा, एटीएम डेबिट कार्ड के संबंध में यदि ओटीपी आ गया है, बहुत सी बार उसके बावजूद हम छल के शिकार हो जाते हैं। आपके पास में फोन पर कॉल आती है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं और मुझे आपके खाते के अंदर शाखा प्रबंधकों और खाते के अंदर आपके खाता नंबर ये है,
आप कहेंगे बिल्कुल ये है, आपकी जन्म तिथि यह है, यह है, आपके पिता का नाम यह है, यह है, आप पूर्णतः विश्वास कर लेंगे कि मेरा शाखा प्रबंधक पूछ रहा है, आपके खाते में ये समस्या आ रही है मुझे ठीक करनी है, आपके फोन के ऊपर ओटीपी आया होगा जरा बताएंगे, आप तुरंत ओटीपी बता देंगे और वही फेयर ट्रांजेक्शन अनफेयर ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी कोई बैंक, कोई बीमा कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह के फोन नहीं करती है, और करती भी है तो आपको अपना ओटीपी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को इस रूप में समझ लें, आप एटीएम का उपयोग करते होंगे, आपने एटीएम का उपयोग किया और कहा कि बैंक ने कहा कि हमने इस ट्रांजेक्शन को और भी फेयर कर दिया तो आपके पास में ओटीपी आएगा, मैंने पहले तो आपके एटीएम का क्लोन बना लिया, आपका पासवर्ड जान लिया और मैं बैंक में उसमें इंसर्ट किया, मैं आपको बैंक मैनेजर फोन करके फोन कर रहा हूं कि आपके ओटीपी जाए है, उसको बताएंगे आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रखी है, आप तुरंत बता देंगे और मैं आपके खाते से पैसा निकाल दूंगा और ये फेयर ट्रांजेक्शन फेयर ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से एक कल का ही उदाहरण बताऊं, कल मेरे पास में एक शिकायत आई, किसी ने संग्रिया से कोई बाइक खरीदी, खरीदने वाले ने यह कहा कि साहब मैं 10,000 रुपया तो आपको कैश दे रहा हूं और 35,000 रुपया आपको आपके पेटीएम में ट्रांसफर कर देता हूं। उसने क्या कर दीजिए कि आपका टेलीफोन नंबर बताया और वो 35,000 रुपया उसके खाते में नहीं आया। जांच पड़ताल की तो पता लगा कि उसी आदमी का मोबाइल नंबर गलती से या जानबूझकर किसी के अकाउंट में डला हुआ था और वह जो रुपया है 35,000 रुपया उसके खाते में चला गया। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना बंद कर देंगे। कोई बच्चा यह बताएगा कि भूल किस तरह से हुई। मैं कल उस कंज्यूमर कंप्लेंट्स को देख रहा था, बिल्कुल बताइए, या तो उसने अपना ओटीपी शेयर किया हो या उसने कोड शेयर किया। मेरे ख्याल से जब आप पेटीएम के अंदर जब किसी का फोन नंबर लिखकर पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ओटीपी नहीं आएगा, वहां जब आपके फोन में नया नंबर डलेगा तो किसका फोन नंबर है उसका नाम बताएगा। कहीं न कहीं हो सकता है कि नाम मिलाने में चूक हुई हो। जब भी आप किसी का रुपया किसी के खाते में ट्रांसफर करें तो उसको भली भांति नंबर डालने के बाद में ये भली भांति देख ले कि वो फोन नंबर उसी का है क्या। और मैं दूसरी बात आपको और राय के रूप में कहूंगा कि आप फोन नंबर की बजाय उससे क्यूआर कोड मंगवा लें और क्यूआर कोड के माध्यम से उस पैसे को ट्रांजिट करेंगे तो उसकी उसके दूसरे खाते में जाने की संभावनाएं जो है वो नगण्य हो जाएगी। ये फेयर ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी है। और एक बात तो निश्चित कर लीजिए कि कभी किसी से ओटीपी आपने शेयर नहीं करना है। हमने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है, हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन इसको फेयर बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इनको भली भांति समझकर डिजिटल ट्रांजेक्शन के जो भी एप्स हैं उनका उपयोग करें और उनका लाभ उठाएं, ट्रांजेक्शन को फेयर बनाए, छल से बचे, यह महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मैं समय की बाध्यता को समझ रहा हूं इसलिए एक बात को कंक्लूड करते हुए, विषय तो बहुत लंबा है, अलग अलग विषयों पर बात करने का विषय है। कल विश्व उपभोक्ता दिवस है, आज पूर्व संध्या पर हमने आपके यहां एक कार्यक्रम रखा है क्योंकि इस बार पूरे देश में केंद्रीकृत विश्व उपभोक्ता दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। विश्व उपभोक्ता दिवस का कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिटीजन चार्टर है उनके अनुसार पूरी दुनिया के उपभोक्ताओं के में जागृति लाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए पूर्ण विश्व में मनाया जाता है। हमारे देश का मुख्य कार्यक्रम कल दिल्ली विज्ञान भवन में है, हमारी संस्था के प्रतिनिधियों को भी वहां आमंत्रित किया गया है, इसलिए आज पूर्व संध्या पर हमने आपके यहाँ ये कार्यक्रम रखा और कल
आपके यहाँ एक विशेष कार्यक्रम और उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से आयोजित होगा। उस कार्यक्रम के तहत वो तीन चरणों में कार्यक्रम है, बड़ी बात की आपकी मैडम उसको क्रियान्वित करवा लेंगी उसकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए। एक तो उपभोक्ता जागृति से संबंधित पोस्टर्स हम बनवा सकते हैं, दूसरा स्लोगन्स बनवा सकते हैं, तीसरा हमारे यहाँ सामुदायिक रेडियो के रूप में चेतना रेडियो 90.4 एफएम चलता है और उपभोक्ता संरक्षण समिति उस पर नियमित कार्यक्रम देती है। उसके लिए आप कोई भी उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित 5 से 7 मिनट का आलेख को विषय के ऊपर कुछ लिखा हुआ पोएम हो, नारे हो, रैम हो, वो बच्चों को कहें कि वो अपने बनाए और उसको सामान्य ऑडियो की तरह से थोड़ा सा इको कम हो, आवाज ऊंची हो, रिकॉर्ड कर दें। इन सबको आप लोग भी अपने स्तर के ऊपर अपनी टीम बनाकर उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय को कर लें। जो भी स्लोगन्स और पोस्टर्स प्रथम सेकंड और प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उन्हें संस्था द्वारा आपके स्कूल में कार्यक्रम कर पुरस्कृत किया जाएगा और उनको विभिन्न उपभोक्ता जागृति की जो पत्र पत्रिकाएं हैं जो हमारी संस्था से संबंधित हैं, एक पत्रिका हमारी संस्था की ओर से भी अग्रिम उपभोक्ता मासिक रूप में प्रकाशित होती है उसमें प्रकाशित करेंगे और जो भी ऑडियो क्लिप्स होंगी उन्हें चेतना रेडियो के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। एक निवेदन इसके साथ में बोल करूंगा क्योंकि सामुदायिक रेडियो भी हम सब लोगों के ऐसे वॉइसलेस जिन्हें मंच नहीं मिला है उन्हें मंच प्रदान करने के एक का माध्यम है। तो कोई भी बच्चे जो आपके यहाँ कलाकार हैं जो गीत संगीत गाते हैं, कविताएं गाते हैं या मैं कहूंगा कि रेडियो जॉकी के रूप में काम सीखना चाहते हैं उनको भी वो भी साधन आमंत्रित हैं वो ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, हम समुदाय का विकास कर सके, हम उपभोक्ताओं का विकास कर सके। धन्यवाद। संजय जी आपने बच्चों को पहुंची हुई जानकारी दी और बच्चों को ही क्यों कहें, मैं तो मानती हूँ कि हमें भी बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। अब मैं हमारे बीच में आए हुए हैं राहुलाल जी विशु, धन्यवाद सर हूँ दो शब्द कहेंगे रामलाल जी विशु। विश्व उपभोक्ता दिवस पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, सम्मानित मन अति सम्मानित हमारे बच्चे शाला परिवार, आज का जो कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण समिति ने आपको सभी उपभोक्ताओं को जानकारी प्राप्त करने के लिए जागरूक करने के लिए जो कार्य जी ने बताया है उसके ऊपर सभी ने ध्यान से उसके ऊपर विचार करना है और अपने जीवन में अपनाना है। कोई भी सुविधा कानून अधिकार हमें मिले हुए हैं, अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आज का जो विषय है डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये तो और बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि जानकार से जानकार व्यक्ति भी इसमें कहीं कहीं चूक कर जाता है। तो जो आज इसकी आवश्यकता भी है, ये करना भी जरूरी है, तो इसके लिए जो सावधानियाँ बताई गई हैं तो आप विशेष रूप से उनका ध्यान रखें और धोखे से बचें। सभी को शुभकामनाएं बधाई और शाला परिवार ने जो हमें यहाँ मंच दिया, पीछे से बहुत से कार्यक्रम इस तरह से ये शाला परिवार करवाने के लिए हमें मंच उपलब्ध कराता है और करवाता रहा है, इसके लिए हम सभी इनके धन्यवाद के पात्र। धन्यवाद।